स्पेशल बालूदा खजूर जूस बासुंदी लस्सी पेंडाचक विजापूर वे सोलापूर। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्याध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे सोलापूर शहर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जुना प्रभाग क्रमांक 14 पेंटर चौक शनिवार येथे हात से हात जोडो अभियानाच्या महत्त्वाची बैठक भावी नगरसेवक शोएब महागामी यांनी आयोजित केली होती। यावेळी बोलताना आमदार प्रणिती शिंदे यांनी म्हटलं की ज्या शहरात 4 हुतात्मे होऊन गेले त्या शहरात आपण राहतो म्हणूनच काँग्रेस पक्षाच्या वतीने एकात्मतेसाठी जातीभेद मिटवण्यासाठी महागाई बेरोजगारी भाजपच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध हात से हात जोडो अभियानाच्या माध्यमातून गोरगरीब सर्वसामान्यांची सेवा करणार आहोत। यावेळी शोएब महागामी यांच्या माध्यमातून इकबाल मैदान व हॉलचे काम करू आणि ही जागा सुस्थितीत करू आणि सुंदर करू असं त्यांनी म्हटलं। त्याचबरोबर सोलापूर शहर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी देखील म्हटलं की शोएब महागामी यांचं काम खूप चांगलं आहे। शोएब महागामी हे स्वखर्चातून महिबूब सुभानी झंडा दर्गाचं काम करीत आहेत, हे खूप चांगलं काम आहे आणि त्यांच्या कार्यासाठी शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या। यावेळी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक संयोजक भावी नगरसेवक शोएब महागामी यांनी केलं, तर या कार्यक्रमास माजी नगरसेवक हाजी तौफिक हत्तुरे, ज्येष्ठ नेते मकबूल मोहोळकर, जुबेर कुरेशी, उस्मान पलवान, अहमद रायली, याकूब मंगलगिरी, जागीर नाईकवाडी, बाशो बागवान, साहिल रामपुरे, सोहेल कुरेशी, वसीम महागामी, बाबा जानी, प्रदेश चिटणीस ऍडव्होकेट मनीष गडदे, युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे, युवा नेते अंबादास करगुळे, मध्य युवक अध्यक्ष वाहिद विजापुरे, तिरुपती परकीपंडला मोहसिन बिल्लेवाले, जुनेद शिलार, इलाही तुळजापुरे, रहीम शेख यांच्यासह इतर नागरिक बंधू भगिनी उपस्थित होते। आज यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम शनिवार पीठ में लिया गया है। मैं लोगों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम है हाथ से हाथ जोड़ो का, ये अपने को कांग्रेस पार्टी ने क्या काम करे, ताई ने क्या काम किया, जैसा ही सामने बोर्ड लगा है। आज जितने भी खुद जी सर अपने को कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सामने 7 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसका जब रोड का 500 मीटर का जो मसला था वो हमारे मरहूम रफीक अत्तुरे साहब ने मिल के ताई के थ्रू से वो कैंसिल किया। इसकी वजह से आज यहाँ के रेट भी बड़े जगह के और हमको परमिशन भी मिल रही है। बस मैं इतना कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, हमको दूसरे पार्टियों के इसमें न जाते हुए सेकुलर का प्रचार करना है, ताई के बताए हुए काम करना है। और यहाँ पे जो ताई का दरगाह है, ये दरगाह का अभी हाल ही में ये हफ्ते में इंशाल्लाह पत्रे का शेड़ मार के मैं काम करके दूंगा। और दूसरा अपना इकबाल मैदान का जो स्मार्ट सिटी का जो भर फेंके हुए, कल जाके शनिवार पेट यंगस्टर कमेटी की जानिब से ताई को निवेदन देंगे। और मैं ताई से गुजारिश करता हूँ, ताई ये इधर पे वॉलीबॉल खेलते थे बहुत पहले, 70-75 साल से, जो अभी ये मटेरियल बिजली की वजह से बंद हुआ है, सही अगर आप पेपर लेके ये काम करेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। नानाजी पटोले यांनी हात से हात जोडो कार्यक्रम आज शोएबाने सांगितलं की इथं दोन प्रमुख अडचणी आहेत। एक मंदिराचं काम तुम्ही स्वतः करणार आहे, दुसरं जे आहे ते इकबाल क्लब, त्या इकबाल क्लब स्मार्ट सिटीचा टाइम ते आजोरानं स्मार्ट सिटीचे जे खणलेलं रॅबिट असेल खडे असेल ते आणून टाकले। काय काळजी करू नका, उद्या जाऊन पहिलं पत्र द्या आणि तुमचं लवकरात लवकर काम करेल। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम हम आज पेंटर चौक में लेके आए हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम आपके सामने लाई है। या मुहिम च्या माध्यमातून कांग्रेस पार्टी घर घर में जाने वाली है और वहां पे संजय गांधी निराधार का हो, लोन का मसला हो, रेशन का मसला हो, सब जो भी गोर गरीबों की दिक्कतें हैं, अड़ी अड़चनी अस्तते हमें दूर करना सा प्रयत्न करना रहो। आज जब महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सबको लगता है कि हमारे साथ कौन है, लेकिन वही जूनी पुरानी कांग्रेस पार्टी जो विचार है वही आज अभी तक आपके साथ है और आखिरी दम तक रहने वाली है। तो अब आपकी लड़ाई अलग और हमारी लड़ाई अलग, अभी वो दिन नहीं रहे, वो अगर तसं झालं तर नुकसान तुमचाच आहे। राज्य का पॉलिटिक्स आमदार खासदार का कोई नुकसान नहीं होता है, मैं दावे के साथ बोलती हूँ। नुकसान लोगों का होता है, गोर गरीब लोग, ये स्टेज पे बैठे वालों का नुकसान नहीं होने वाला।
ते लोग का ये था आपस में झगड़ा लगाते हैं, हम लोग इधर उधर जाते हैं और नुकसान आपका होता है। महंगाई की मार गोर गरीबों को होती है। अमीर लोगों के किचन में 3 सिलेंडर है, रेशन दुकान में घासलेट नहीं मिलता है, रॉकेल नहीं मिलता है। आपके घर में औरतों को पूछो क्या नुकसान हो रहा है। आज बीड़ी कामगार के हाथ में मजूरी नहीं मिल रही अठौड़ा, उसको पूछो नोटबंदी से किसका भी फायदा नहीं हुआ। तो मुझे पता है आपका वोट बीजेपी में नहीं जाएगा, मालूम है क्या, पर दूसरे जगह जाएगा ना जो बीजेपी को मदद कर रही है। अभी इलेक्शन नहीं है, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से हाथ जोड़ो के बारे में बोल रही हूँ। लेकिन ये भी बात जरूरी है क्योंकि इलेक्शन के टाइम में फिर ये लोग आते हैं और आपके सामने कुछ तो जुगाड़ रखते हैं। और दो बार ऐसा हुआ कि आप लोग फंस गए, वहां पे वो मोदी को देके फंस गए, यहाँ पे एमआईएम को देके फंस गए। लेकिन नुकसान फायदा किसका हुआ? नुकसान ही हुआ क्योंकि ये लोग, इनकी साजिश है कि हमको डिवाइड एंड रूल जैसे ब्रिटिशों ने किया था आप वैसे। लेकिन भूलो मत, हम 4 हुतात्माओं के शहर में रहते हैं। देश कोई पंतप्रधान नहीं बचाएगा, ये हमारे हाथ में, हमारे आपके हवाले वतन साथियों। सच में अभी वो जब फ्रीडम फाइट स्ट्रगल के टाइम में हुआ था, अभी वही दिन वापस आए हैं। अगर हम लोगों में ही झगड़े हुए या हम लोगों में ही टूट होगी तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी का कोई फ्यूचर नहीं है। और इसीलिए अभी वक्त हो गया कि हमारी और आपकी लड़ाई सेम है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी है, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। कोई भी आया बीच में, मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे लाल भूरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। दो बार कोशिश की, लेकिन कुछ मिला नहीं। क्योंकि मैं अभी भी समझती कि दुआओं और आशीर्वाद में ज्यादा ताकत होती है। और अभी मैं बता रही हूं, मैं इसका सत्कार क्यों कर रही हूं छोटे बच्चे का, क्योंकि जब एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पे आए, जैसे कहते ना सही तालीम हर घर में होनी चाहिए, यही है। कोई माँ अपने बेटे को नहीं कहती है कि ये अच्छा है ये गंदा है, कोई माँ अपने बेटे को नहीं कहती है कि ये जमात का है वो जमात का है, कोई भी माँ। जब वो बुजुर्ग आदमी आया, फट करके ये बच्चा उठ गया और कहा नाना बैठ जा, आई अपना ये शिकवत नहीं करे, बाहर से कौन है सिखाने को। कहते ना माँ के पैरों में जन्नत होती है, अगर वो हमें ये नहीं सिखाते तो ये एमआईएम वाले ये बीजेपी वाले कौन लोग होते हैं हमको ये बुरी तालीम देने वाले, और आप लोग उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं। कांग्रेस के टाइम पे सही वक्त पे पानी मिलता था, सगड़ना काम मिलत होता, रेशन दुकान माल मिलत होता, सिलेंडर सिर्फ 400 रुपए के थे, पर अपने मध्य फूट पाड़ ली अतः वंचित पन तसलीस लोग। ये सब दोनों पार्टियां ये कांग्रेस के वोट डिवाइड करने को आए। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि हम लोग आपके साथ है, आप लोगों को रहना है या नहीं सोचने वाली बात है। सब बुजुर्ग लोग हाँ कहते हैं, मैं नौजवानों की तरफ थोड़ा इशारा कर रही कि असली इस्लाम या असली हिंदू धर्म वो होता है जो सबको स्वीकारता है, मैं दावे के साथ कहती हूँ। और ये जो आज अभी देश में कीड़ लगी है वो यही गलत मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे ये मोर्चे काड़ा ये काड़ा वो काड़ा, ये हमारे देश में कभी नहीं होता था। पेटा उन्हें ऐसा प्रयत्न करता है तो और हम लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे, या जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके माध्यम से तुमसा पन वापर करता है, दूसरा काय नहीं। अरे म्हणून समझने वाली बात है, जरा गौर करो जो मैंने आपसे कहा। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, मुझे आपने 3 बार चुन के लाया, मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहने वाली हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुल्कर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक आमदार आई है और ये मतदार है, मुझे लगता है कि चाचा है भतीजी है माँ है बेटी है भाई है बहन है, और ये रिश्ता जो है विश्वास का ये कोई नहीं तोड़ सकता है। बस मैं इतनी उम्मीद आपसे भी रखती हूँ, और आप लोग यहाँ पे आए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शोएब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोग आए, नमाज का वक्त है फिर भी आए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करके आपकी इजाजत लेती हूँ।
सोलापूर करांसाठी विजापूर वेस परिसरात अवसान फालुदा एंड मस्तानी। आमच्याकडे मेल स्पेशल फालुदा मस्तानी, खास रमजान सणासाठी खजूर ज्यूस, बासुंदी, सीताफळ ज्यूस, स्पेशल लस्सी, स्ट्रॉबेरी मलाई, ग्रेप्स मलाई असे विविध प्रकारचे ज्यूस, कुल्फी व फॅमिली पॅक आईस्क्रीम ही। फॅमिली साठी स्वतंत्र सोई, स्वच्छता आणि उत्तम सर्व्हिसला प्राधान्य। सोलापुरातील सुप्रसिद्ध अफजान फालुदा एंड मस्तानी, पेंटर चौक ते विजापूर वेज रस्ता, सोलापूर।